सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बिंद है, लोगों की सड़कों पर जान जा रही है। अभी मैं यहाँ आया हूँ तो साइकिल से आया हूँ, और मैं जैसे पूरी का सब्जी का भंडारा लगाया जाता है उसी तरह लोगों को बता रहा हूँ कि सांस का भी भंडारा लगा। मैं एक दिन अगर साइकिल से दफ्तर चले जाएंगे समझिए उस दिन आपने भंडारा लगा दिया, हवा में जहर घोलने का काम नहीं किया। थोड़ा थोड़ा आदमी इंसान अगर जग जाएगा, केवल हम ये सोचें कि एक दूसरे के भरोसे पर्यावरण ठीक होगा तो बहुत कठिन काम है सबको पर्यावरण के लिए। जैसे होली दिवाली में गले मिलते हैं उसी तरह पर्यावरण को गले लगा लें, पर्यावरण का पुजारी बन जाएं। एक गंगा मैया पर छंद सुना देता हूँ कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, और मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में, मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, और नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। कि जो आप मोबाइल को लेकर के एक आप लगाए हुए, मोबाइल को लेकर आप क्या लोगों को चेता रहे हैं? मोबाइल पे ये कि कान में मोबाइल लेकर के, हथवा में हंडिल कान में मोबाइल बा, और सामने केहू देखत नहीं के बात में अजुराइल बा, और लड़ गईला पर सबका नक्शा बुलाइल बा। तो मैं ये कहता हूँ कि कान में मोबाइल लगा के ना चलें, और ये एक आदमी अगर सावधान हो गया जीवन में तो पूरे बड़े अस्पताल का काम करेगा वो। अच्छा, तो आप अकाउंटेंट हैं, तो आप हफ्ते में कितना दिन निकाल लेते हैं इन सब कामों के लिए? हम रोज जब दफ्तर जाते हैं तो साइकिल पर इसको पीछे लटका लेते हैं, और साइकिल में लाइट नहीं रहता है, ये रेडियम प्लेट है तो रात को ये लाइट का भी काम करता है। और जो लोग भी यहाँ भारत की जो भी जनता हमें देखती है, लखनऊ में इसे मैं हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो लोग जो है बड़े आदर भाव से इसको जो है सम्मान दे रहे हैं, और लोगों में सुधार भी आ रहा है। हमसे लोग पूछते हैं कि लोग मान नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि लोग खड़े होकर के अब बात करना शुरू कर दिए हैं।